अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन फॉर सिक्स स्टैंडर्ड. स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक विल बी वर्किंग विद वर्ड. आज का हमारा टॉपिक होगा वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इससे पहले हमने टाइपिंग सीखी, टाइपिंग ट्यूटर के थ्रू. एक सॉफ्टवेयर था जिससे आपने टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग एक्यूरेसी अपनी बनाने की कोशिश की. आई होप आपने इसको घर में प्रैक्टिस भी किया होगा और एमएस पेंट पे जो हमने काम सीखा था वो भी आपने प्रैक्टिस किया होगा. आज हम वर्किंग विद वर्ड को सीखेंगे. वर्ड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर. वर्ड प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट को, लिखे हुए को एक सॉफ्टवेयर की मदद से. द सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोड्यूस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वर्ड प्रोसेसर. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर पे आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को शो करता है उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर. वर्ड 2007 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर में से पॉपुलर है वो है वर्ड 2007, जो कि सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा मशहूर है. इट इज यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, मैसेजेस, नोट्स, लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. ये किस काम आता है? रिपोर्ट्स बनाने के काम आता है, मैसेजेस बनाने के काम आता है, नोट्स भी, लेटर्स भी और अदर डॉक्यूमेंट्स जब हमने बनाने होते हैं तो ये वर्ड प्रोसेसर हमारे काम आता है. देर आर सम स्पेशल वर्ड्स यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू डू वर्ड प्रोसेसिंग. ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करने से पहले, ये सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले आपको बेसिक बातें जानना जरूरी है. वो क्या है? वर्ड्स आर कॉल्ड टेक्स्ट. वर्ड्स यानी कि अल्फाज को टेक्स्ट कहा जाता है. द होल टेक्स्ट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट. जो पूरा एक टेक्स्ट होता है यानी कि जो हमने पैराग्राफ या पूरा तीन चार पेजेस के अपने असाइनमेंट बनाई है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट. हाउ टू रन वर्ड. अब हमने वर्ड को कंप्यूटर पे चलाना कैसे, रन कैसे करना है, तो किसी चीज को चलाने को रन कहा जाता है. क्लिक द स्टार्ट बटन. पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स टू गिव अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर. पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड. ठीक है, आपने क्या करना है, माई स्टार्ट बटन में आपने कंप्यूटर में जाके स्टार्ट बटन को क्लिक करना है. उसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन पे जाना है. ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन में आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली ऑप्शन पे पॉइंटर अपना माउस लेकर जाना है, ड्रैग करना है और फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, इस तरह वर्ड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा. द ऑफिस वर्ड 2007 विंडो अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा जिसको कहा जाता है कि ये वर्ड 2007 ने आपको एक ब्लैंक सफा दिया है, आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है. ये देखें डिफरेंट लेबलिंग इसकी हुई है. ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक खाली सफा आपके सामने आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया. उस पे आपने अपना टेक्स्ट लिख के तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है. इन्होंने डिफरेंट लेबलिंग की हुई है इसकी. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स की, वर्ड प्रोसेसर 2007 की. आप लोग इसको बारी बारी वन बाय वन हेडिंग पढ़ते जाएंगे. ऑफिस बटन. ऑफिस बटन क्या होता है? ऑफिस बटन कहाँ नजर आ रहा है आपको, ये देखें ऑन योर लेफ्ट साइड. ऑफिस बटन नजर आ रहा है आपको. अच्छा, ऑफिस बटन क्या करता है? ऑफिस बटन इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो. ठीक है, वर्ड विंडो जब खुलती है तो उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नजर आता है ऑफिस बटन जो मैंने आपको दिखाया. इट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू फाइल्स एंड फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स सच एज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव अ डॉक्यूमेंट, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट और क्लोज अ डॉक्यूमेंट. ये आपको जल्दी से रसाई देता है, बहुत क्विक रसाई देता है आपको फाइल्स में आपकी, जिसमें से आप फाइल्स को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपनी, और अपने डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर इजाफा कर सकते हैं अपनी मदद से. क्लिक द ऑफिस बटन. ऑफिस बटन को पहले क्लिक करें, ये देखें ऑफिस बटन मेन्यू आ जाएगा. ठीक है, आगे है क्विक एक्सेस टूल बार.
क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के फौरी बाद क्विक एक्सेस टूल बार नजर आता है। इट होल्ड्स द कमांड्स विच आर यूज फ्रीक्वेंटली। ये कमांड्स, इसके अंदर वो कमांड्स होती हैं, वो हुक्म होते हैं जो कि हम अक्सर यूज करते हैं वक्तन फवक्तन, ठीक है, जैसे प्रिंट करना हो, एडिट करना हो, चेंज करना हो, अपने लिहाज से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर आ जाता है रिबन। द रिबन इज द पैनल बिलो द टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार के नीचे एक पैनल बना होता है जिसको आप कहते हैं रिबन, ठीक है। इट प्रेजेंट्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेट्स ऑफ टैब्स कॉल्ड रिबन टैब्स। ये टैब्स की सूरत में ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अंदर टैब्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे होम, इंसर्ट, पेज आउट, रेफरेंसेस। ये देखें बच्चों, ये ठीक है, टाइटल बार के नीचे एक रिबन बार दिया हुआ है। इसके अंदर जो टैब्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको कहा जाता है रिबन टैब्स। द रिबन इज डिवाइडेड इन टू सेवन टैब्स एंड ईच टैब इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप्स दैट शो रिलेटेड आइटम्स टूगेदर। रिबन जो है सेवन टैब्स में बंटा होता है और हर टैब में एक कलेक्शन होती है जो कि आप अपनी मर्जी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपना ऑप्शन दे सकते हैं। टैब इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स, ठीक है। टैब एक होता है कि आपके जो डिफरेंट हुक्म, जो आप डिफरेंट कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को, उसका एक मजमुआ होता है। ग्रुप्स शो सिमिलर कमांड्स टुगेदर। ग्रुप्स जो होते हैं वो सिमिलर कमांड, उनकी एक जैसे जो कमांड्स आपके होते हैं वो उनको शो करते हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर गिव्स एक्सेस टू एडिशनल कमांड्स। ये सारे बच्चों इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। आपने इस तरह से जो है ये कमांड बटन, फॉन्ट, ग्रुप, डायलॉग्स बॉक्स, लॉन्चर, ये सारे इसके पार्ट हैं। किसके? रिबन बार के, रिबन पैनल के, ठीक है। और इसमें जो टैब्स हैं वो रिबन टैब्स कहलाते हैं। कमांड बटन्स आर यूज टू इश्यू कमांड्स और टू एक्सेस मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस, ठीक है। कमांड बटन्स अगर आप दबाएंगे तो उसके जरिए आपने जो भी कमांड्स दिए होंगे आप उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए रिबन पैनल के, ठीक है। रिबन पैनल इज द मेन पार्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? रिबन पैनल, और उसमें रिबन टैब्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, टेक्स्ट किसे कहते हैं। अब आपने बनाना कैसे है डॉक्यूमेंट, आप सबको पता होगा, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लें तो आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्लिक द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन को आपने क्लिक कर देना है। क्लिक न्यू और प्रेस कंट्रोल एन, फिर आपने उसमें जाकर न्यू पर क्लिक करना या कंट्रोल एन दबाएंगे तो वो भी वही काम करेगा। क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने क्लिक करना है। आपको ऑप्शंस आएंगी कि आपने ये करना है या ये करना है, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। क्लिक क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक कर दें। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, खाली पेज आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, ठीक है, जिसपे आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जो भी लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा और जो जो लफ्ज आप यूज करेंगे वो टेक्स्ट होगा। फिर इसके बाद आ जाती है टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग कैसे, एक दफा आपने लिख लिया, अब आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है आपने। एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है। कुछ ऐड करना है या कुछ मिटा देना है या उसको दोबारा से अरेंज करना है अगर आपने टेक्स्ट को, तो इस सारे अमल को कहते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। हाउ टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट, कैसे करना है आपने। अ फ्लैशिंग वर्टिकल लाइन द स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर और इंसर्शन पॉइंटर, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन आपको नजर आएगी डॉक्यूमेंट के साथ में, जिस तरह आपने एमएस पेंट में या आपने सेविंग डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा, तो उसको कहते हैं कर्सर और इंसर्शन पॉइंटर। द टेक्स्ट वी टाइप विल अपीयर वेयर द इंसर्शन पॉइंटर फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन। एज वी टाइप द इंसर्शन पॉइंटर मूव्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द राइट ऑफ द स्क्रीन,
When we reach the end of a line, word automatically wraps the text to the next line. ठीक है, वर्ड में ये खसूसियत होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि आप एक लाइन पूरी कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपको सेकंड लाइन में ले जाया जाता है. ठीक है, ये नहीं कि आप उसी लाइन को लंबा करते जाएं और आपके पेज जो है वो वहीं से लंबा होता जाए. नहीं, पेज की जितनी लेंथ है, जितनी चौड़ाई है, उसके हिसाब से आपकी जब एक लाइन पूरी हो जाएगी तो आपको दूसरी लाइन पे लाया जाएगा और अपना टेक्स्ट दूसरी लाइन में लिखेंगे. ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने खोल लिया. टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस. फिर आपने ये करना, ये आप करें सर प्रैक्टिकली से साथ साथ मेरे, अपने कंप्यूटर खोल लें और ये साथ साथ करें. यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लें जैसे मैं आपको बताया. ठीक है, फिर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में एक सेंटेंस टाइप करना है, आई लव पाकिस्तान. ठीक है, टाइप कर लिया. प्लेस कर्सर आफ्टर द वर्ड लव. ठीक है, लव के आगे आपने अपना कर्सर प्लेस कर देना है. ठीक है, जहां पर आप माउस से क्लिक करेंगे ना वहां पर आपका कर्सर आ जाएगा और वहां पे आप एडिट कर सकते हैं. प्रेस बैक स्पेस की टू रिमूव द वर्ड लव. ठीक है, अब आपने कर्सर लव के बीच, लव के आगे लाके खड़ा कर दिया. आपने क्या करना है कि बैक स्पेस का बटन दबाना है जिससे आपका जो लव का लफज है वो रिमूव हो जाएगा. टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस. फिर आपने टाइप करना है आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. ठीक है, आपने आई लव पाकिस्तान नहीं लिखना बल्कि आपने लिखना है आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. उसको मिटा के आपने ये सेंटेंस लिख दिया. ठीक है, ये इंसर्शन पॉइंटर होता है. ये देखिए जो ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इसे कर्सर भी कहते हैं. अच्छा बच्चा, उसके बाद क्या करना है, सिलेक्टिंग टेक्स्ट. आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है. ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल बहुत बड़े टेक्स्ट को डिलीट करना है या ऐड करना है तो आप उसको एक एक करके डिलीट करने में देर लगेगी और कंप्यूटर नाम ही तेजी का है. ठीक है, तो तेजी अगर आपने दिखानी है, फास्ट होना है आपने, तो सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन पता होना चाहिए. बिफोर यूजिंग एनी वर्ड फीचर अ यूजर मस्ट फर्स्ट सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट. Selecting text appears highlighted on the screen. ठीक है, क्या होगा कि वर्ड का कोई भी फीचर इस्तेमाल करने से पहले आपने उसको बोल्ड करना है, आपने उसको स्टाइलिश करना है, आपने उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, उसको करने से पहले आपने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने चेंज करना है. इस जो आप सिलेक्ट करेंगे वो हाईलाइटेड तौर पर ब्लू कलर का आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा पूरा टेक्स्ट. हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट, कैसे सिलेक्ट करना है. इट इज वेरी इजी टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत आसान है. ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट. एक सेव डॉक्यूमेंट खोलें. ये देखिए ये सेव डॉक्यूमेंट है. उसमें से आप जितने पार्ट को माउस पे से ड्रैग करेंगे, ठीक है, माउस को पकड़ के उस पर क्लिक करके तो उसको आगे कर्सर को ले जाएंगे, उतना पार्ट आपका सिलेक्ट होता जाएगा. ठीक है, ये सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट. अगर आप सारे डॉक्यूमेंट को ऊपर से पॉइंटर को पकड़ कर नीचे लेकर आएंगे क्लिक करते हुए तो वो सारा ड्रैग हो जाएगा और सारा सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिलीटिंग टेक्स्ट. डिलीट कैसे करना है टेक्स्ट को. पहले आपने जो है देख लिया ये किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है, अब आपने डिलीट कैसे करना. जाहिर है गलती हो जाती है, आपने गलत दिख लिया होगा कोई लफ्ज तो उसको डिलीट कैसे करना है या पूरे डॉक्यूमेंट को डिलीट कैसे करना है. रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीटिंग. यानी कि कोई चीज, कोई टेक्स्ट रिमूव करना, खत्म करना एक डॉक्यूमेंट से डिलीटिंग कहलाता है. अब यूजर कैन रिमूव अनवांटेड टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट. एक यूजर जो उसको नहीं चाहिए टेक्स्ट उस टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में से रिमूव कर सकता है या मिटा सकता है. फॉलोइंग आर टू डिफरेंट मेथड्स टू डिलीट टेक्स्ट. यानी कि आपने पेंसिल से कुछ लिख दिया तो आप उसको रेजर से मिटा कर ठीक कर लेते हैं कि नहीं भाई ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. तो इस तरह आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं लेकिन उसका एक अलग से ऑप्शन होता है, तरीका होता है. टू डिलीट अ सिंगल करेक्टर. एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए क्या करना है, क्लिक टू द राइट ऑफ द करेक्टर एंड प्रेस द बैक स्पेस की. आपने क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि जिस लफ्ज को मिटाना है उसके राइट पर माउस से क्लिक करना है और बैक स्पेस का बटन दबा देना है तो वो लफ्ज डिलीट हो जाएगा, एक सिंगल लफ्ज. टू डिलीट अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. एक पूरा हिस्सा टेक्स्ट का
या एक पूरा वर्ड डिलीट करने का क्या तरीका है? सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस द डिलीट की, यानी कि उस हिस्से को आप सिलेक्ट करें, मैंने आपको बताया था माउस की मदद से, और फिर डिलीट का बटन दबा दें तो वो जो टेक्स्ट है, वो वर्ड्स हैं, वो वहां से डिलीट हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपने कॉपीइंग एंड पेस्टिंग सीखनी है कि आपने टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कैसे करना है। ये सिमिलर है जैसे आपने एमएस पेंट पे जो है एक इमेज को कॉपी पेस्ट किया था, उसी तरह आप इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, मतलब एक डॉक्यूमेंट या एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप जो है उस पर राइट क्लिक करें और वो और कॉपी के ऑप्शन में जाएं। कॉपी करके आपने जहां भी पेस्ट करना है आप वहां राइट क्लिक करें और फिर आपको पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप पेस्ट का बटन दबाएंगे तो वहीं पर आपका टेक्स्ट आ जाएगा, यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप या फिर इसकी जो है सिर्फ कंट्रोल प्लस सी दबाएं, ठीक है, एक जो है टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी दबाएं उस पर, ठीक है, राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एक टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें जो आपने कॉपी करना है, उस सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सी दबाएं, वो कॉपी हो जाएगा। फिर जहां पे आपने पेस्ट करना है आप वहां जाकर कंट्रोल प्लस वी दबाएं तो आपका वही डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाएगा। दो तरीके हैं इसके, ठीक है, एक तरीका तो माउस के जरिए से आप कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है, मेन्यू से, और दूसरा तरीका ये है कि आप ये कंट्रोल वी और कंट्रोल सी से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। कॉपी करने के बजाय अगर आप कटिंग करना चाहते हैं, एक जगह से डॉक्यूमेंट काट कर आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसका भी यही तरीका है कि आप जो डॉक्यूमेंट है, जो टेक्स्ट है जो आपको वहां से हटाना है उस जगह से, उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, उस हिस्से को, उस वर्ड्स को, उस फ्रैक्टर्स को, उनको सिलेक्ट कर लें, उस पर राइट क्लिक करें, कट का ऑप्शन आएगा, कट का बटन दबाएं, ठीक है, क्लिक करें, और फिर जहां पे आपने पेस्ट करना है वहां जाकर आप राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है पेस्ट मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट। अब वो पुरानी जगह पर नहीं रहेगा मौजूद, जिस तरह आपने कॉपी करके पेस्ट किया था पुरानी जगह पे भी मौजूद रहा था और नई जगह पे भी मौजूद हो गया था, लेकिन कटिंग में ये होता है कि आप पुरानी जगह से उसको रिमूव करके नई जगह पर पेस्ट कर देते हैं। अगर आपने इसको शॉर्टली करना है तो आप राइट क्लिक करने के बजाय दूसरा तरीका ये है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि इस डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस एक्स दबाएं कीबोर्ड से, ठीक है, वहां से डॉक्यूमेंट कट हो जाएगा और जहां आपने पेस्ट करना है वहां जाकर आप कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो वहां आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दो तरीके हैं इसके, राइट क्लिक से और जो है इस तरह से कीबोर्ड के कीज से, ठीक है। कट कॉपी एंड पेस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, अच्छा ये एग्जांपल है, मेक अ लिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान जो कि 5 हो चुके हैं तो उसके नाम लिखना है आपने, ठीक है। सेलेक्ट दिस टाइप, सेलेक्ट दिस लिस्ट, इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना पूरे तौर पे, क्लिक कॉपी बटन और कंट्रोल सी एंड डी सिलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है। आपने कंट्रोल सी दबा देना है सिलेक्ट किए हुए पे, जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आपने उस पर राइट क्लिक करके उस पर कॉपी का ऑप्शन चूज कर लेना है। प्रेस एंटर की, एंटर की आपने प्रेस करनी है, क्लिक पेस्ट बटन और कंट्रोल वी, ठीक है। एंटर दबाने के बाद आपने क्या करना है, पेस्ट जो है कर देना है उसे, या कंट्रोल वी दबा देना है तो आपका रिक्वायर्ड जगह पर आपका डॉक्यूमेंट या आपके प्रोविंसेस पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उस जगह पे भी रहेंगे लेकिन जब आपने जिस जगह पर ले जाने हैं उस जगह पर भी रहेंगे, कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। अनदर लिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस अपीयर, इस तरह से एक और लिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस, यानी कि दो दफा, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दो दफा आपने एक जो है लिस्ट को दो दफा देख लिया, यानी कि एक दफा आपने लिखा और दूसरी दफा उसको कॉपी कर लिया। इस तरह से आप कंप्यूटर से जल्दी काम ले सकते हैं, ठीक है। नाउ कट एंड पेस्ट देम इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपने इसको काटना है या आपने इसको दोबारा से जो है एक जगह से आपने ऊपर से मिटाना है और नीचे रहने देना है तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले को सिलेक्ट करके उसको कट कर देना है और आपके पास एक नीचे वाला रह जाएगा, ठीक है।
ये हो गया आपका तरीका, ठीक है। इस तरह से आपने एक डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट कट और डिलीट करना होता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करना, उसमें कुछ रिमूव करना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन से इनको देखें और अपने कीज याद रखें, जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी और कंट्रोल प्लस एक्स, ये कीज अगर आपको याद हो तो आप जल्दी से एक डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपका काम जल्दी हो सकता है। यही कंप्यूटर का काम है कि आप उससे जल्दी से काम लें। सो आपने इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखना है। जैसे इन्होंने प्रोविंसेस की लिस्ट बनाई, आप अपने जो है नेम्स की कोई लिस्ट बना लें, कोई कलर्स की लिस्ट बना लें और उसे कॉपी पेस्ट और कट और डिलीट करके देखें कि आया आपको एडिट करना आया एक डॉक्यूमेंट या नहीं आया, ठीक है। सो प्रैक्टिस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।